नमस्ते सभी को। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ भैया। और परिवार में मम्मी पापा और दो छोटी बहनें और चाचा जी साथ में रहते हैं। भैया मैं पढ़ाने का एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य करता हूँ, और फिर प्राकृतिक खेती जो समय बचा रहता है उसमें प्राकृतिक खेती करता हूँ। भैया भैया कंटेंट से जुड़ना जुलाई 2017 में भैया हुआ। तब से मैं जो कार्य का क्षेत्र था मेरा, वो बाहर की तरफ से अब धीरे धीरे अंदर की तरफ ये सिकुड़ता हुआ भैया मैं देख पा रहा हूँ, और इसमें दिन प्रतिदिन काफी गति हो रही है ऐसा मैं देख पाता हूँ। जी भैया, अब मैं बात करूँ एक्सरसाइज अभ्यास वन और अभ्यास टू में क्या समझ बनी है, या उस पर मैं अपनी बात को रखता हूँ जो मैंने समझा है। जी, अभ्यास एक में भैया स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की जो बात बोली जा रही है वो अपनी मैं कल्पनाशीलता को देख पाता हूँ, लेकिन अगर हर क्षण की बात कहूँ तो हर क्षण तो नहीं हो पाता, लेकिन जब निर्णय लेता हूँ देखने का तो ये अधिकतर समय उसको देख पाता हूँ, और ये भी देख पाता हूँ कि ये कैसे शिफ्ट हो रही है। एक कल्पना, एक भाव विचार के साथ दूसरे भाव विचार में कैसे शिफ्ट होता है। और पिछले जब मैं अपने आप से तुलना करूँ पिछले मॉर्निंग सेशन से इसमें, तो वो लिंक जुड़ाव महसूस नहीं होता था कि एक के बाद एक कैसे आ रहा है, लेकिन अब ये जुड़ाव एकदम दिखता है कि इस विचार के साथ ये विचार का जुड़ाव है, फिर पर्टिकुलर उस विचार का जुड़ाव के साथ उस विचार का है। जैसे हमेशा भैया उदाहरण देते हैं कि अगर आप बैठे हैं तो कि जैसे किसी घर के सदस्य के बारे में आ गया तो उसका व्यवहार वहां पर कैसा था, तो एक ऐसी फाइल जैसे गूगल में होती है, फाइल खुलने लगती है, तो वो अब पहले तो एक दो फाइल दिखती थी, लेकिन अब उस फाइल के पीछे फाइल, फाइल के पीछे फाइल ऐसा दिखना भैया चालू हो गया है भैया। और इसमें देखूं कि ये जो फाइल खुल रही है, जो भाव विचार आ रहे हैं, वो कुछ तो मेरे स्वभाव के अनुरूप रहते हैं और कुछ एक तो उसमें स्वभाव के अनुरूप ही नहीं रहता है। जी, ऐसा भी मैं देख पाता हूँ। और जो भाव विचार बना है उससे मैं ज्यादातर तो अभी तो ऐसा देख पाता हूँ कि सुखी भी होता हूँ और दुखी भी होता हूँ, तो दोनों स्थिति बनी हुई है कि अन्यथा भाव ये कैसे आ गया ऐसी हो पाता है। और जो अगली बात इसमें बोली जा रही है कि उसका निर्णय मैंने लिया है। जी भैया, ऐसा मैं देख पाता हूँ, निर्णय तो मैंने ही लिया है, और ये बात तो है कि मैं उसका निर्णय इस क्षण तो लिया हूँ, लेकिन वो पिछले हमारे भूतकाल में मैं जैसा व्यवहार किया हूँ, और या फिर मैं कोई कार्य करने के लिए या फिर कहीं पर भागीदारी करने के लिए जो भविष्य के बारे में कल्पना कर रहा हूँ, तो इस वर्तमान स्थिति में ना रहकर भूत और भविष्य वाली चीजें जो कल्पनाशीलता में आ रही हैं उसी को कर रहा हूँ, लेकिन जब वर्तमान स्थिति में पहुंचने का प्रयास करता हूँ तो वहां सब ब्लैंक सा ऐसा हो जाता है। जी भैया, और ये निर्णय जब मैंने देखा कि ये निर्णय मैंने लिया है, तो यहाँ पर देखता हूँ काफी ढेर सारे भाव विचार का मैंने अधिमूल्यन कर रखा है, कि जो अभी भाव विचार चल रहे हैं तो उसकी दिखता नहीं है कि ऐसा ठीक है या ऐसा ठीक नहीं है। तो भैया, और यहाँ पर कुछ एक को तो मैंने मान्यता पूर्वक ही, जो भाव विचार चल रहा है कुछ को मान्यता पूर्वक ही मैंने कर रखा है, उसका मैंने मूल्यांकन तो अभी नहीं किया, बस सिर्फ मैं अभी उसको देख ही पा रहा हूँ, और आगे उसका मूल्यांकन करने के लिए मैं यह समय निकाल कर प्रयास करता हूँ मूल्यांकन करने का। और जो अगली बात कही जा रही है कि संबंध का भाव हमें सहज स्वीकार है, और व्यवस्था का भाव, और जो मैं हमेशा हूँ इसका सहस्तित्व का भाव सहज स्वीकार है, ये स्वीकार तो यही है, लेकिन बीच बीच में जो अन्यथा भाव आ जाते हैं ऐसा भी हो पा रहा है।
इस मॉर्निंग सेशन में अगर मैं कहूँ कि मैं जब कार्य व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं को द्वारा मैं अपने आप को मैं ही अपने आप के द्वारा देख रहा हूँ, तो एक जिम्मेदारी सा आता है कि कोई जब अपने मैं भाव को देख रहा होता हूँ तो एक जिम्मेदारी सी दिखती है। और जब शरीर के साथ है करने के लिए जाता हूँ तो पहले एक भाग दौड़ की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन वो अभी थोड़ा उसमें कम हुआ है जी भी। और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि पिछले सत्र के इस सत्र के हिसाब से जो देखने का समय था वो थोड़ा बढ़ा है। अब लगभग घंटे भर बैठकर कुछ देख सकता हूँ। पहले 10-15 मिनट तक ही बैठकर तो एक थोड़ी सी होती थी कि उबन टाइप की आने लगती थी कि बाहर तो देखना ही है चीजों को, लेकिन अब अंदर थोड़ी सी ऐसा देखने का कार्यक्रम चलता रहता है जी भैया। अभी अभ्यास एक में तो इस तरीके से मैं अभी अपने आप को देख पाता हूँ, और अभ्यास दो में है जो बात कही जा रही है कि मैं के द्वारा जड़ को यानी कि शरीर को देखने का काम है। तो इसमें भैया मैं कह रहा हूँ, और जो इसमें पहली बात कह रही है, दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, यह तर्क पूर्वक। और बाकी तो जितना है अपने आप को देखने जाते हैं तो लगता तो है ये अलग अलग वास्तविकताएं हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट कहूँ कि एकदम अलग अलग वास्तविकताएं हैं तो अभी थोड़ा संशय में हूँ जी भैया। और अगली बात जो बोली जा रही है इसमें कि मेरे में एक क्रिया हो रही है, और जो है जड़ वस्तु में क्रिया हो रही है, और जो संवेदना का नाम दिया गया है, तो जैसे शरीर में संवेदना हो रही है तो उसको मैं लगातार जब निर्णय लेता हूँ तब तो उसको पढ़ता हूँ। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब काफी मैंने ध्यान अपनी कल्पनाशीलता को देख रहा होता हूँ, तो उस समय तो शरीर का थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि भास तो मतलब रहता नहीं है कि मैं एक तरीके से कह सकते हैं कि जब एकदम गहरी नींद की अवस्था होती है तो वहां पर भी और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि शरीर तो नहीं है, यानी कि शरीर को क्रिया को मैं देखता नहीं हूँ उस समय जी। ऐसा भी हो पा रहा है। और जो बात बोली जा रही है मैं संवेदना में नहीं हूँ और मैं ना संवेदना हूँ जी भैया, ऐसा बात हो रही है कि मैं जब तक कल्पनाशीलता को देखता हूँ तो ये दोनों स्थिति में ठीक रहता है, लेकिन जब ये देखने का काम शरीर से कार्य व्यवहार कर रहा होता हूँ तो लगता है कि थोड़े समय के लिए तो मैं संवेदना में चला गया हूँ। तो ऐसा है कि संवेदना से जुड़ाव काफी ज्यादा हो गया, लेकिन जब आराम की स्थिति में एकदम एकदम बैठ कर ही ऑब्जर्व करने होते हैं तो एकदम साफ साफ दिखता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ और ना ही संवेदना में हूँ, तो ऐसा दिख हो पा रहा है। और जो अगली बात इसमें बोली जा रही है कि जो है क्रिया मेरे एक अंदर हो रही है और बाहर से मुझे सूचना मिल रही है, उस सूचना का मैं अर्थ दे रहा हूँ, और अर्थ को जैसा संस्कार है मेरा उस हिसाब से मैं कार्य व्यवहार करता हूँ, शरीर के साथ निर्वाह करता हूँ, संकेत देता हूँ जी भैया। एकदम इसमें बात अस्पष्टता से तो दिख रही है। ऐसा होता है कि जब आराम की स्थिति में जब एकदम अपने आप को रिलैक्स करके करते हैं तो पता चलती है कि कितनी सारी चीजें व्यवस्थागत इसमें है ही, ना जाने कितने जड़ परमाणु आपस में लगातार टकरा ही रहे हैं, तब तक वो आवाज मेरे तक आ रही है, फिर खान के पर्दे पर टकराने के बाद। तो ये सारी स्थिति जो बोली जा रही है कि वो सूचना तो जा रही है तो सूचना और मेरे के बीच में तो दूरी एकदम साफ दिखती है, लेकिन जब एकदम तटस्थ होकर एकदम आराम से बैठ कर इसको ऑब्जर्व करते हैं तब ये ऐसी स्थिति आती है। लेकिन कार्य व्यवहार करते समय भी ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन जब एकदम अपने आप को एकदम उस में ऑब्जर्व ध्यान देने का काम करते हैं तब ऐसी स्थिति आती है। और अभी तक तो भैया ऐसा हुआ कि जो कुछ दिन से पहले ही तक मैं जो कार्य व्यवहार का ज्यादातर जो पार्ट व्यवहार का बेसिकली ज्यादा पार्ट था वो रूप को देखकर या फिर भाव को देखकर या फिर आवाज के हिसाब से ऐसा हो पा रहा था, लेकिन अब स्थिति उसमें मैं सेल्फ को इन्वॉल्व मतलब जो उसके शरीर को चलाने वाला आदमी है तो उस सेल्फ के हिसाब से उसकी
भाव के हिसाब से क्या उसका भाव है और संस्कार के हिसाब से ऐसा देखना थोड़ा थोड़ा हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति, जब इस स्थिति में पहुंचता हूँ तो काफी सुखद की स्थिति रहती है जी भैया। तो इन दोनों अभ्यास में अभी तक तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। और जो ये बात कही जा रही है कि अंतिम में कि मैं जब तक मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखता हूँ और जड़ की क्रिया को देखता हूँ, तो ऐसी स्थिति तो दिख रही है कि ज्यादातर ध्यान तो है कि जड़ की क्रिया को देख रहे हैं और बाहर के कार्य व्यवहार को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी एक शब्द रूप में भी आ रहा है, उसका चित्रण कभी कभी ही कर पाता हूँ कि इन दोनों क्रियाओं के साथ मैं जब इन दोनों क्रियाओं को देखते हुए, संवेदना को लेते हुए, सूचना को पढ़ते हुए, जब मैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाऊंगा, तो फिर मेरे पास जो मेरे विचारों में लगातार सोचने के लिए चलता रहता है कि कार्य कैसे करूं, व्यवहार कैसे करूं, तो अपने पास बहुत सारा समय बचेगा, बहुत ही ज्यादा समय बचेगा। तो ऐसा मैं देख पाऊंगा कि फिर मैं क्या हूं, तो वो स्थिति आ सकती है कि तब मैं शून्य को देख पाऊं। तो ऐसा भी तो लंबा काफी गैप दिखता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा चित्रण तो ऐसा देखने में होता है कि ठीक है कि मैं जैसे कार्य कोई कर रहा हूँ तो उसके लिए पीछे विचार और उसके पीछे भाव क्या है, तो भाव तो दिखता है, तो लेकिन उसको उस पर विचार भी करते हैं किस तरीके से काम हो, या फिर व्यवहार करते समय भी विचार करते हैं कैसे काम हो। तो ये जो समय अंतराल है ज्यादातर चलता रहता है, तो उस समय अंतराल के बीच में जो है उसको समझने की गति में है, धीरे धीरे समझना हो पा रहा है, और फिर जो समय बचेगा तो फिर वहां पर काम किया जाएगा। तो भैया ऐसा मेरा पहला और दूसरा एक्सरसाइज में ऐसी स्पष्टता बनी है, और मैं कहूँ कि कितने स्टेप देख पाता हूँ, तो भैया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेप दिखाई देते हैं सभी, एक और दो के, तो पहले स्टेप को बहुत ज्यादा देख पाता हूँ दोनों के, और बाकी ऐसे घटता जाता रहता है। और ये है कि जो बात बोली जा रही है शेयरिंग के संबंध में कि अब सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बनी है भैया। जब मैं एकदम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सुख स्वभाव ही है, संवेदना वाला पार्ट तो होता नहीं। पहले ऐसी स्थिति रहती थी कि भोजन लेते समय तो वहां पर थोड़ा स्वाद वाला चक्कर रहता था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफी मैं देख रहा हूँ काफी कम हो गया है, तो अब शरीर के पोषण के संदर्भ में ही ऐसा हो पा रहा है। और जब मैं कार्य व्यवहार भी देखता था तो वहां पर व्यवहार करने वाला पक्ष जो देखता था, तो वहां पर सुख वाला मुद्दा होता था कि बाद में कभी अपने आप को स्पेशल दिखा करके एक दो संवेदना तो सामने वाले से फेवरेबल फीलिंग मिल जाए, तो लेकिन वहां पर भी अपनी बात को जिम्मेदारी पूर्वक जो बोलना है, व्यवहार करना है, तो ऐसा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो दिख रहा है कि सुख प्रभाव से शिफ्ट होता होता थोड़ा दिखना चालू हो गया है कि स्वभाव की तरफ ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ जी भैया। और अगली बात जो इसमें बोल रहे हैं, यदि सुख स्वभाव के रूप में देखता है तो क्या कार्यक्रम कर रहे हैं जी भैया। तो जो अभी कंटेंट है उसको, कंटेंट को सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि भैया कि कुछ चीजें फिर रिपीट होना चालू हो गया है, तो ज्यादातर समय जो है मैं अपने आप को अकेला करके फिर अपने आप को ऑब्जर्व करने का ही प्रयास करता हूँ कि ऑब्जर्व किया जाए, तो काफी स्थिति रहती थी। पहले ऐसा होता था कि कुछ इनपुट बाहर से ले लिया जाए, लेकिन वो इनपुट भी अभी एक सी स्थिति रहती है, जब मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ तो वो ज्यादा बेहतर मुझे दिखाई पड़ता है। तो घंटे दो घंटे कभी कभी समय के हिसाब से, जैसे पिछले 10 दिनों से तो ऐसा, 10-15 दिनों से तो हो नहीं पाया क्योंकि मम्मी और बहन वर्कशॉप में थी, तो घर का सारा काम मुझे भी करना पड़ रहा था, तो ऐसा पिछले 10 दिनों से मैं कर नहीं पाया। लेकिन इसमें मैंने काफी अपने भाव को देखा और जो जिम्मेदारी थी वो भी मैंने देखा। अगर इससे कंटेंट से जुड़ना या फिर इस एक्सरसाइज से नियमित रूप से ना जुड़ना हो पाता तो काफी उल्टे विचार आ जाते। मैं अपने आप को जानता हूँ कि इस स्थिति में अभी पहुंचा हूँ भैया, कि घर का कार्य करते हुए, खाना बनाने का जो भी काम है वो सारी को करते हुए पूरे 10-12 दिनों में कभी भी ऐसे अन्यथा भाव नहीं आया कि मैं भोजन जी भैया, एक बात और शेयरिंग करनी थी मुझे,
कि पिछले 10 महीनों से मेरा ऐसा चल रहा है कि अनाज वाले मैंने रोक दिया है, फल और दूध और इन सारी चीजों को सेवन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं लगा कि मैं घर वालों के लिए बना रहा हूँ, पापा के लिए, चाचा के लिए खाना बना रहा हूँ। तो मैं एक जिम्मेदारी का ही भाव रहा कुल मिला के, उसमें कहने का प्रयास ये है। जी भैया, और आगे जो बात बोली जा रही है कि हमारा कार्यक्रम अभी कितना संवेदना को और जुटाने के अर्थ में और चैतन्य के अर्थ में है, तो भैया कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उसके तहत वहाँ पर उस कार्य को करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये रहता है कि मैं किस हिसाब से समझा हूँ, फिर वहाँ समझ का ही रहता है कि मैं इससे सुखी तो नहीं हो रहा हूँ। तो वहाँ तो ज़्यादातर ऑब्जर्व कर पाता हूँ, लेकिन फिसलता तो हूँ, लेकिन फिसल कर कुछ ही कदम ही चला रहता हूँ तो फिर सचेत तो हो जाता हूँ। एक अंदर से पुकार भैया आती है। जी, ये स्क्रीन, जी ठीक है। और कितना समय दे पा रहे हैं कि जी भैया, तो अभी अलग से तो लगभग समय के हिसाब से 10 दिनों से तो नहीं हो पा रहा है, ऐसे आधे घंटे 1 घंटे के आसपास हो पा रहा है, लेकिन चलते फिरते कार्य करते समय रिकॉर्डिंग तो सुन पाते हैं भैया, तो ऐसा 2 घंटे में कह सकता हूँ निकाल पा रहे हैं। और स्वयं के वैभव के रूप में वर्तमान जिम्मेदारी के साथ परस्परता में सामाजिक भागीदारी के लिए, या अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी मैंने कंटेंट का लिया नहीं है, लेकिन मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि अपने पास समय तो बचता है तो कुछ जिम्मेदारियाँ अभी मैं लेना चाहूँगा और अपनी कुशलता के हिसाब से। जी भैया, और एक दो बात इसके अलावा भी मुझे मैं कहना चाहता हूँ भैया कि परिवार में पिछले 1-2 महीने से ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पहले तो 2-4-5 दिनों में फिर आपस में हो जाता था, परिवार के सभी लोगों के साथ मतभेद या फिर आर्गुमेंट बातों में होना चालू हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैंने ऑब्जर्व किया कि आदमी आर्गुमेंट क्यों हो पा रहा है, तो वहाँ पर जो मुझे दिखाई पड़ा कि कुछ तो स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी कार्य को करने पर, तो मैंने वहाँ पर अपनी जैसे भैंस को दूहना या फिर गाय को मम्मी की ये सारा काम करना पड़ता था, तो मैं उनकी भागीदारी के लिए, तो जब ये दिखा तो मैं 2-3 दिन में ही इन सारी चीज़ों को सीख गया। और जो उनका हाथ बटाने का काम है तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को अपने स्किल के तौर पे सीख गया, जैसे रोटी को बनाना, तो कभी कभी मैं भी ऐसा कर देता हूँ। तो ऐसे में दिखा कि ये पिछले 2-3 महीनों में ये इंटेंसिटी जो आर्गुमेंट वाला होता था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो थोड़ा कम हुआ है। और घर के हर सदस्यों के साथ मैंने ऐसा पाया कि उनका करने का अभ्यास नहीं है, या फिर वो जिम्मेदारी पहले कोई और करता था तो उनके ऊपर थोपा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ अटकाव था घर के लोगों के से, तो वहाँ वहाँ मैं हर एक सदस्य के साथ उनके सहयोग करने के लिए अपनी स्किल को भी बढ़ा लिया हूँ, जैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पर मैं उनका सहयोग कर देता हूँ। जी भैया, ऐसा मेरा अभी तक समझ में हुआ है। और जिस जिस आयाम में काम करने का मौका मिल रहा है, खेती में भी और स्कूल में पढ़ाने का ही काम जहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर हर जगह पर बच्चों के साथ भी धीरे धीरे, मतलब मैं अपनी आपको अपनी बात को तो रख पाता हूँ। और जो पहले क्लास में एक थोड़ा तनाव की स्थिति आ जाती थी, मैं देखता था कि ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो स्थिति धीरे धीरे में कम हुई है। तो वहाँ पर बच्चों के को कुछ है, देख रहा था कि कुछ है जो बच्चे शरारत करते हैं तो उनको कुछ जिम्मेदारियाँ दे दी गई, तो वो जिम्मेदारियाँ को निभाने के लिए उनके पास थोड़ा कम समय रहता है। लेकिन धीरे ये स्थिति बदल रही है और घर में ऐसा हो पा रहा है। और भैया, खेती में जो मैं बोलूँ कि पहले दिखता था कि करने वाला तो मैं हूँ, लेकिन जब ये चालू हुआ कि जब मैं अपने आप को जितना देख पा रहा हूँ कि मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, जो बात बोली जा रही है कि जड़ भी क्रियाशील है, जो इनपुट आया है उसको देखना तो अभी तक एकदम स्पष्ट रूप से तो नहीं हो पाया, लेकिन ये देख रहा हूँ कि जब कभी कभी ऐसा देखना होता है कि हर एक जगह पर जो मैं कुछ चीजें करता हूँ तो वो तो अपने आप से ही ग्रोथ उसमें हो ही रहा है और उत्पादन दे ही रहा है, तो वो जो करने वाला भाव था, वो करने वाला भाव थोड़ा सिमटता जा रहा है। बस सिर्फ मैं एक कंडीशन इधर की चीजें उधर कर देता हूँ, तो यही सिर्फ है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है और फिर धीरे धीरे ये स्थिति अपने आप से निकल के सामने आ रही है। या तो इतना तक अभी कुछ
देखना हो पाया है। मैं अपनी बात को भी विराम करता हूँ। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद अभिषेक भैया, बहुत बहुत स्वागत है। आज दूर से लेंगे और जी थोड़ा भैया, इस समय लिमिटेड। जी जी भैया बताएं। जी भैया तो मैंने सोचा कि पिछली बार 20 मिनट बोला गया था, तो दो शेयरिंग पे इसी हिसाब से नहीं मैंने नहीं रख ली। जी बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। उनकी बात तो हम अभी अधिक रिफ्लेक्शन नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा था। फिर भी एक दो हैंड रेज है हमारे पास। भगवान भैया है जी। भगवान भैया नमस्ते। जी भैया नमस्ते जी नमस्ते। जी नमस्ते। अभिषेक जी नमस्ते की भैया। शेयरिंग बहुत बढ़िया रही, और अभिषेक जी का कानपुर में मेरे साथ रहना हुआ था, तो इनका जो कृषि के प्रति रुचि है, और अभी संयोग से 7 दिन का जो शिविर था, तो इनके परिवार से इनकी मम्मी और बहन से मिलना भी हुआ, तो इन लोगों का जो नेचर के प्रति और कृषि के प्रति श्रम का जो अभ्यास है परिवार में, वो बहुत ही गहरा है। और जिस हिसाब से आपने स्टेप पर भी बात रखी, तो श्रम और विवेक, ये लोग पढ़ाई लिखाई में तो उच्चता प्राप्त किए ही हैं, श्रम भी बरकरार है, तो ये श्रम और विवेक का एक अच्छा उदाहरण ये परिवार हो सकता है। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अभिषेक जी, जी भैया धन्यवाद भैया जी। ठीक है, नमस्ते भैया। जी धन्यवाद धन्यवाद कुमार भैया। तो अगली सीरिंग से पहले यहाँ मैं कुमार भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा अभिषेक भैया की सीरिंग के रिफ्लेक्शन के लिए, कि अजय भैया को परिवार सहित सुनेंगे। जी कुमार भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। बहुत अच्छी शेयरिंग रही अभिषेक जी की, बहुत ही बिंदुवार ढंग से इन्होंने एक एक पॉइंट पे अपने ऑब्जर्वेशन को रखा, और इनके भाव विचार में जो परिवर्तन आया है, जीने में जो परिवर्तन आया है वो भी रखा, और आपकी शेयरिंग से बहुत सारे और पक्ष दिखाई दिए। जिस तरह से आप श्रम कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, साथ में हर जगह अपने व्यवहार का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट आपने शेयरिंग की है, बहुत अच्छी शेयरिंग रही है। तो बहुत संभावना है, बहुत सारा समय है, तो आप एक विजन लेकर चलिए अपने बारे में भी और समाज के बारे में भी, कि मुझे स्वयं में अपने आप में ज्ञान में इतनी गति करनी है ना, इसको सुनिश्चित करना है, और दूसरा भागीदारी के अर्थ में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहां से अखंड समाज तक जाना है, तो कुछ आप जी रिजनेबल भी कुछ चीजों को तय करिए कि इतना तो मुझे कर ही लेना चाहिए। तो जी समझने भैया वाले भाग में जितना आपको गति करनी है उसको आप एक विधिवत ढंग से प्लान करिए, कि हमको अपने ऊपर इतना तो काम करना है ताकि चीजें इतनी स्पष्ट हो जाए ना, और जी संबंध भैया और व्यवस्था में जिस तरह से भागीदारी करनी है उसको भी आप थोड़ा तय करिए। और अभी जो अवसर बने हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें आप किस रूप में कहाँ भागीदार हो सकते हैं, उसको खुद वर्कआउट करिए। अभी वर्कशॉप भी चल रहे हैं, और आप थोड़ा वस्तु को रखने का भी अगर अभ्यास करें, तो जो अभ्यास कराए जा रहे हैं वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए, उसमें भी कभी आप आए डेमो सेशन दें तो अच्छा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा। जी भैया। जी बढ़िया भैया, बढ़िया, शुभकामना। ठीक है, नमस्ते भैया।